निशिकांत दुबे की पत्नी वोट देकर बाहर निकली है, मैम क्या कहना है और क्या आप लोगों से, इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगी? मेरा सबसे ये अपील है, देश की प्रगति के लिए ज़रूर वोट करिए, आपका ये कर्तव्य है, आप इस कर्तव्य में भाग लीजिए ताकि आप सरकार के साथ अपने अधिकारों का मांग कर सके। तो देश की प्रगति के लिए ज़रूर वोट करिए और गोड्डा लोकसभा के लोगों से आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, खूब संख्या में बाहर निकलिए और मोदी जी के विकास का में साथ दीजिए। क्या उम्मीदें आपको हैं? लगातार 3 बार निशिकांत जी इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, 4थी बार बीजेपी ने फिर उन पर भरोसा जताया, क्या उम्मीदें आपको? देखिए, भाजपा ने इसलिए भरोसा जताया क्योंकि उनको जनता पे विश्वास है, जनता का भरोसा उनके ऊपर है, इस वजह से भाजपा ने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया है। और मैं सबको ये बात कहना चाह रही हूँ, जैसे 3 बार जीते थे, ये 4थी बार भी हम जीत के आ रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो निशिकांत दुबे के बेटे भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या आपको लगा और वोट देने के बाद आप क्या लोगों से अपील? मेरी सब लोगों से आज के दिन पे यही अपील है कि आज इतना अच्छा मौसम है, आप सब जाएं। आज लोकतंत्र का एक जो महोत्सव हम लोग बोलते हैं कि सब लोग जाके वोट दें, जो 5 साल यहाँ पे मोदी जी ने विकास किया उसके लिए जाके वोट दें, और चाहे वो उनके लिए वोट दें या ना दे, पर सबको वोट देने के लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उनका ये अधिकार है। और अगर आप जाएंगे वोट देने के लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप इतना सारा विकास देखेंगे तो आप मोदी जी के लिए ही वोट देंगे, पर जो आपका अधिकार है वो आपको हमेशा देना चाहिए। मत ठीक है, तो साफ तौर से जो उनके बेटे हैं या फिर पत्नी हैं वो इस इलेक्शन के मद्देनज़र यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे थे और वोट डाला और यही कहा कि लोगों से अपील की कि अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, देवघर।